नमस्ते, मैं नीता कोठारी हूँ। मैं जैन हूँ, वैसे अभी सहज योग में हूँ। मेरे पास दो स्पेशल बच्चे हैं जिनका फिजिकल एज और मेंटल एज आपस में मैच नहीं करता। दुनिया भर का दुख और रोना धोना लेकर के मैं जी रही थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे सच में शांति मिली। मेरे बच्चों के अंदर काफी परिवर्तन है और मेरे अंदर काफी परिवर्तन आया। जैनियों में बहुत मंत्र हैं, लेकिन हम लोग उस मंत्र की सार्थकता को नहीं जान सकते हैं। जैसे कि धर्म का जो एसेंस होता है, कि जैसे एक इंग्लिश लैंग्वेज है, आप जैसे ABCD पढ़ते हैं और इंग्लिश सीख जाते हैं, वैसे ही धर्म का भी एक एसेंस है। लेकिन हम लोग ना तो वाइब्रेशन कैच करना जानते हैं और ना मंत्रों के अंदर में बह रहे वाइब्रेशन को कैच कर पाते हैं। सहज योग ये भी आपको सिखाता है और ये आपको अपने अंदर में इतनी गुणता ला देता है कि आप अपने खान पान रहन सहन सब चीजों को ठीक कर सकते हैं। आप राइट साइडेड हैं कि लेफ्ट साइडेड हैं, आप भूत में ज्यादा रहते हैं या भविष्य में ज्यादा रहते हैं, ये सभी चीजों का मार्गदर्शन इसमें आपको सहज रूप में मिलता है। इसके लिए कोई रुपया पैसा मेंबरशिप नहीं है, बस आपको अपना समय देना है और अपनी भक्ति देनी है और पूर्ण समर्पण देना है। यहाँ पर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आनंद पाएंगे और दुनिया में यहाँ पर प्रेम और आनंद के सिवा सच में कुछ भी नहीं है, जो मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। इतना प्रेम, इतना आनंद, इतनी शांति अद्भुत है, जैसे लगता है शरीर के अंदर से ही गंगा बह रही है, यमुना बह रही है, सरस्वती बह रही है और त्रिवेणी बह रही है। जैसे हिमालय हमारे सर पर आ गया हो, जैसे हम सिर्फ आनंद से भर गए हो, जैसे हम इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया में ना हो। जय श्री माता। आप कब से हैं सहज योगा में? मैं काफी वर्षों से हूँ, लेकिन इस्टैब्लिश होने में जमने में थोड़ा वक्त लगा। बहुत जनों का बहुत बहुत सहयोग रहा और बहुत जनों का बहुत स्टूपिड सा रिएक्शन भी मिला, सभी कुछ मिला जुला घट्टा बट्टा अनुभव है, लेकिन माँ से जुड़ने का एक आनंद अलग है। आप रिकमेंड करेंगे सहज योगा? बिल्कुल, मैं तो बोल ही नहीं हूँ कि ये सभी धर्मों का एसेंस है। आप चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, या आप जन्म से हो, आप व्यक्तिगत रूप से ये नहीं हो, जन्म से होते हो। आप बंगाली हो तो काली और सरस्वती को बुलाएंगे, आप यदि कर बंगाल गुजराती हो तो आप जैन हो, और यदि कर आप मुस्लिम हो तो आप अल्लाह अल्लाह करते हो, आप यदि कर क्रिश्चियन हो तो आप गॉड गॉड करते हो, और यदि कर आप हिंदू हो तो राम राम करते हो। लेकिन कनेक्शन नहीं होता इसमें, आपको एक्चुअल कनेक्शन फील होता है, और जब वो अपने अंदर पैठने लगता है और फैलने लगता है, आपको अपने अंदर की अनुभूतियाँ, आपके आसपास की अनुभूतियाँ, लोगों के रिएक्शंस, लोगों के सप्तल एनर्जी लेवल, सारी चीजें आपको समझ में आने लगती है और आपका हृदय सच में प्रेम और क्षमा से भर जाता है। थैंक यू।